नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, महेश पांडे और विशाल सिंह को लेकर जो विवाद हुआ है उसका सिलसिला अभी तक जारी है और इस मामले को लेकर नई नई तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, जिससे आप लगातार रूबरू हो रहेंगे। थोड़ा सा मामला को पहले ब्रीफ कर देते हैं। आपको पता होगा, गुड़गांव का एक होटल है रेडिशन ब्लू में माना जा रहा है कि महेश पांडे किसी लड़की का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, तो कुछ ये कहना है कि लड़की बुलाई थी। ये क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। वो अपना पक्ष लेकर कह रहे हैं, ये अपना पक्ष लेकर कह रहे हैं। रियलिटी क्या है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, मैं बताऊंगा। लेकिन वहां पर विशाल सिंह का पहुंचना ये एक बहुत बड़ा सवाल है और विशाल सिंह के साथ 4-5 लोगों का भी पहुंचना ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल के साथ साथ जो होटल में जिस तरीके की चीज़ें की गई, वीडियो सामने आया है, शर्ट निकाल के उठक बैठक कराया गया है, ये कतई भी शोभनीय नहीं है, कतई भी शोभा नहीं देता है। और आप ज़बरदस्ती किसी को किसी के बारे में कुछ बुलवा रहे हो, सलमान खान बुलवा रहे हो, तो ये मुझे लगता है कि सबसे निचतम हरकत वाली जो चीज़ है उस कैटेगरी में आता है ये। क्योंकि आप किसी को कट्टे के बल पे, किसी को घेर के और किसी एक पर्टिकुलर कमरे में ले जाकर आप धमकी देकर बुलवाना, ये एक छोटे लोगों की सोच होती है और ये कमज़ोर लोगों की सोच होती है। भले ही वो वीडियो वायरल करके आप इस तरीके की चीज़ें प्रचार प्रसार किया जाए कि भाई मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत दबंग हूँ, ये हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये दबंगई है। दबंगई जो होते हैं, जो कहा जाता है ना क्षत्रिय, जो सामने सीना तान के आते हैं, आगे लड़ाई में चलते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, इसलिए मैं इस चीज़ को। लेकिन इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा कल्याणी सिंह, जो कि खेसारी यादव के साथ काम कर चुकी हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। और खुलासा ये है कि विशाल सिंह ये जो कॉन्सपिरेसी, ये जो साजिश, ये जो माया जाल है, वो पहले से ही बिछाने का प्रयास कर रहा था। और ये मैं नहीं भंग कह रहा हूँ, ये कल्याणी सिंह ने कहा है और मैं उसका वीडियो डाल दिया हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने ये कहा है कि विशाल सिंह पहले एज अ नॉर्मल लाइक भाईचारे के रूप में बात होती थी, तो उसने ये कहा था कि उससे मिलवाओ, तुम उसके साथ रहती हो, तुम उसका इंटरव्यू करता रहता है वो तुम्हारा इंटरव्यू, तो तुम उससे मिलवाओ, हम उसका इलाज करने वाले हैं, ऐसे 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 भाई, पूरा कॉल रिकॉर्डिंग क्या है। मतलब मेरा कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि पहले से ही ये कॉन्स्पिरेसी रचने की, साजिश रचने की तैयारी, प्लानिंग चल रही थी कि भाई तुम पकड़वा दो उसको उसका इलाज हम कर देंगे। तो ये मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी मानसिकता, ये देखिए आप किस तरीके की मानसिकता उस व्यक्ति की है। और आज जब वो चीज़ें हो रही है, एक लड़की के ही जाल में इस तरीके की चीज़ें फंसी हुई है चीज़ें, तो अब आप सोचिए अब आप कि क्यों, कौन सही है कौन गलत है, आप खुद डिसीजन लीजिए कि जो व्यक्ति, जो बंदा पहले ही किसी लड़की को और एक लाइक यू नो कि उसको बनाकर और चाहता था कि उसको पकड़ा जाए, उसको कवर किया जाए, मतलब महेश पांडे को, वो तो नहीं कर पाई। लेकिन ये जो मामला हुआ हो वो भी एक लड़के की ही वजह से हुआ है, तो इसको आप किस एंगल से सोचोगे। मैं कतई भी नहीं सोचूंगा कि भाई ये एट द इंस्टेंट मोमेंट था, एट द इंस्टेंट आप उसकी मुलाकात कर लिए, मैं ये नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं इस चीज को। और ये पूरा का पूरा साजिश से कॉन्सपिरेसी है, और इस तरीके की हरकत अगर कोई करता है तो ऑब्जेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन अब वही है कि FIR करे, कोई केस करे, कोई मुकदमा करे, तभी तो होगा। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि सुधर जाओ यार, तुम लोग जो भी हो, दोनों पक्ष के कोई भी जो इस तरीके की हरकतें करता है, कोई भी हो, इस तरीके की चीज़ें कतई मत करो। काम करो यार, काम करो, नाम करो, देश को प्रगति पर ले जाओ। पढ़े लिखे का तुम तमका लगाते हो और अनपढ़ गंवार वाले काम करते हो, तो ये मत करो। और ये लही बात यूट्यूबरों की, गाली गलौज की, तो किसको किसको संभालोगे? आज तुम मारोगे, कल एक पैदा होगा, किसको किसको करते रहोगे? तुम अपनी ज़िंदगी वर्स्ट करोगे, ज़िंदगी बर्बाद करोगे, तुम अपने स्पॉइल करोगे। तुम अपना ज़िंदगी सोचो ना, अपने तुम ज़िंदगी के बारे में, जो इतना बड़ा सुपरस्टार बनो, साला कोई बोले ही ना कि तुम ऐसे इंसान हो, तो ये कर नहीं रहा कोई, बस अपने आप को बाहुबली, पता नहीं राजपूत का बेटा, ये वो फलाना ढिकाना चिलाना कर रहा है और काम जो है 2 कौड़ी की हो रही है। बाकी अब इस पर आप मुझे कुछ नहीं कहना है, आप अपनी राय दीजिए कमेंट।